द एबेस, ये एक डिजास्टर थ्रिलर फिल्म है जो नेटफ्लिक्स यूके पर हिंदी में रिलीज हुई और अब फाइनली मैं ये फिल्म देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म को देखकर जो भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस फिल्म को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस फिल्म में देखेंगे स्वीडन के एक ऐसे शहर की कहानी जहां बहुत ज्यादा माइनिंग की वजह से छोटे छोटे अर्थक्वेक्स यानी जलजले आना शुरू हो चुके हैं और जमीन पर सिंक होल्स बनने लग गए हैं। ऐसे में फ्रेगा जो माइंस की सिक्योरिटी मैनेजर है उसकी और उसकी फैमिली और इस शहर में रह रहे लोगों की लाइफ में जिंदगी और मौत की जंग उस वक्त शुरू हो जाती है जब इनका पूरा शहर ही कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। और फिर कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा। तो देखो ये फिल्म एक डिसेंट फिल्म है, ऑल्दो ये फिल्म आपको डिजास्टर थ्रिलर्स का वही ओल्ड फॉर्मूला फॉलो करती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी आप कहानी में डिसेंटली इन्वेस्ट रहेंगे और फिल्म में आपको कुछ डिसेंटली इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी फिल्म में फैमिली ड्रामा पर भी काफी फोकस किया गया है लेकिन वो फैमिली ड्रामा भी आपको कुछ भी नया ऑफर नहीं कर पाएगा। प्लस फिल्म हमें कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट भी नहीं कर पाती है, लेकिन हाँ फिल्म में जो फ्रेगा का कैरेक्टर है वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो आपको थोड़ा बहुत पसंद आ जाएगा। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं, फिल्म का म्यूजिक है वो डिसेंट है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है फिल्म की वो अच्छी है। जो स्पेशल इफेक्ट्स फिल्म में यूज किए गए हैं वो मोस्टली अच्छे हैं। इन शॉर्ट अगर आप लोगों को डिजास्टर थ्रिलर्स देखना बहुत पसंद आते हैं तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए अपने टाइम पास के लिए इस फिल्म को देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। बस इसलिए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 7 out of 10। और हाँ आप चाहें तो ये फिल्म फैमिली के साथ देख सकते हैं लेकिन कुछ किसिंग सीन्स आपको इस फिल्म में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।